ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली। दिल्ली के बाहरी इलाके, दिल्ली देहात, और आपको जो मेट्रो लाइन के नीचे रोड दिखाई दे रहा है, यह दिल्ली रोहतक रोड है। और मुंडका के नज़दीकी इलाकों में पिछले कई वर्षों से ये गंभीर समस्या का सामना स्थानीय निवासियों को करना पड़ता है। यहाँ पर जाम तो लगता है, और जाम के साथ साथ जल निकासी एक गंभीर समस्या है। पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा दावा किया गया था कि यहाँ पर हमने रोड पर जो जल रोकने के लिए खड्डे बने हुए हैं उन्हें भरने का काम किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिन में और रात के समय तो और भी गंभीर समस्या यहाँ हो जाती है। चलने के लिए वाहनों को एक साइड में चलना पड़ता है, छोटे बच्चों को भी काफ़ी समस्या आती है जो स्कूल से भी यहाँ पर आते हैं। राजधानी पार्क, मुंडका और बाहरी दिल्ली का सबसे बुरा हाल ये आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा बुरा हाल, यहाँ पर जाम तो लगता है, जाम तो दिल्ली के हर कोने में है, लेकिन इस प्रकार गंदे पानी के अंदर जाम लगना कई प्रकार की बीमारियों को न्योता देता है, और यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वैसे तो दिल्ली को साफ सुथरी बनाने का वायदा अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार कई बार कर चुके हैं, पर क्या ऐसे दिल्ली को साफ किया जाएगा? आप फुटेज में अपने समक्ष देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमें बताने का काम करें कि है केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं।